हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ हाईवे पर और ये मेरे मामा का लड़का है और हम दोनों जा रहे हैं आज कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और आपको पूरा मेला एक्सप्लोर कराएंगे हम दोनों मिलकर। तो गाइस, अभी हम आ गए पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीधे मेले में। तो गाइज, हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और फिर आपको लेके चलते हैं अंदर मेले के अंदर। सबसे पहले तो हम आप लोगों को कान्हा बाबा के दर्शन कराएंगे, फिर मेले के अंदर प्रवेश करेंगे। तो गाइज, मैं अब आ गया हूँ कान्हा बाबा जी के मंदिर में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्योंकि अभी तो भीड़ है तो मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा पाऊँगा अंदर जाके। किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको अंदर जाके उनके दर्शन ज़रूर करवाऊँगा। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं मेले के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लगा हुआ है, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ सोडलपुर मेला देखने के लिए। सिर्फ घूमना ही है, सिर्फ यहाँ पर हम घूमने के लिए आए, खरीदने के लिए कुछ नहीं आए। इधर चलो चल। बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा मेला है यहाँ को। दो तीन दिन लग जाएंगे भाई, कितना बड़ा मेला है कि यहाँ पर घूमता घूमता हम कहीं ना मालूम कितना दिन लगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा मेला लगे लगे। नो गारंटी, नो गारंटी, चाइना का माल यहाँ पर ज़्यादा बिकता है। नो गारंटी, यहाँ पर पूरा पानी उनका लेन गुड्डा गुड्डी उन भी मिल जाना करता तो बर्तन ये बेलन ले ले रहे, बेलन में रोटी बनाने वाली तो लिख रहा हूँ। तो गाइज, आप लोगों ने देखा कि मेले में कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और ये सब मुझे देखकर मतलब पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि ये बक क्या रहा है, मतलब क्या बोल रहा है अपने आप से। तो इन बातों को सबको इग्नोर करो, बाकी सब लोगों का देखने का काम तो देखने दो। तो मैं आप लोगों को हर एक जगह घुमाने की कोशिश करूँगा, हर एक मतलब गली में मेले की। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे बड़े भैया श्री राम जी चौहान बता रहे हैं, मार्केट में बहुत भीड़ स्वागत करती है और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मेले में पधारे सभी धर्म जनता का ग्राम पंचायत सोडलपुर हार्दिक अभिनंदन बंदर स्वागत करती है। आप सभी से निवेदन है बगैर मास्क मेले में। पूरा मेला घूम लिया पर हमारे लायक कोई चीज नहीं मिल रही यहाँ पर। अब चला ना झूला पर झूलेगा, वो झूले पे झूलने में तो मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मैं एक बार बैठा था तो मेरी हालत डाउन हो गई थी उसमें। नहीं जाऊँगा, इधर तो नहीं जाऊँगा, इधर चला।
तो गाइज भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन अब देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, ढूंढ रहे हैं उसी को, पर मिल नहीं रहा है। बुड्ढी के बाल मिले, बुड्ढी के बाल मिल रहे हैं, पर बुड्ढी के बाल कितने को दे रहे हो? बुड्ढी का बाल के भाई कैसा दिया? बुड्ढी का बाल 10 रुपये को एक, वो 10 एक एक तो लीला 10 को 3 लीला। बुड्ढी का बाल ली रही आइसक्रीम कितना दी? 10 रुपये 10 रुपये 3 आइसक्रीम दी दे। तो फ्रेंड्स हमने हम लोगों ने आइसक्रीम ले ली है, अब आइसक्रीम को खाने वाले हैं और अब इसको खाने वाला हूँ, तो चलते हैं अंदर बैठ के खाएंगे। क्या आइसक्रीम बनाई भैया ने, मज़ा आ गया। और दो सैनिक इधर आइसक्रीम खा रहे हैं हमारे। तो गाइस हम लोगों ने भेल ले लिए और अब खाने वाले हैं, और इधर ये भी खा रहा है, और ये वाली ले लिए 10 रुपये में 3 भेल। चलो शुरुआत करते भी खाते हैं, और जरा साबर रख, हम कभी तो खाई लेते जरा है, जरा साबर रख, जरा मान जा तू भी। चलो खा के फिर उठते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने भेल खा ली है, और अब देखते हैं किसी और चीज़ की तलाश में जो हमें मिल जाए खाने के लिए। को एक दिया भैया, ठीक है चलो लिया कभी थोड़ी देर से हम अभी मार्केट में। ये भाई भी मेला घूमने आया है। दोस्तों यहाँ पर साउंड ज़्यादा तेज होने के कारण मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो इनको सब लोगों को इग्नोर करना ये वॉइस को, क्योंकि अब ब्लॉगिंग करना आसान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेला घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। तो फिर अब आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।